हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मेरे पास एक फ़िशिंग मैसेज आया। फ़िशिंग मैसेज होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, फिर वो कौन सा मैसेज था और उस मैसेज को मैंने कैसे डायग्नोस किया। अगर आपके पास ऐसा कोई भी और मैसेज आता है जो आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड या कुछ भी और भी इंफॉर्मेशन आपसे लेने के लिए बोलता है मैसेज में, तो आप उसको कैसे पहचानोगे, उस हाउ विल यू डिटेक्ट दोज फिशिंग मैसेज और ईमेल्स। ओके, सो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस पे दो मैसेज आपको दिख रहे होंगे, डिफरेंट मैसेज जो मेरे मोबाइल पर आए थे, मोबाइल नंबर भी आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट मैसेज तो मैंने इग्नोर कर दिया बिकॉज आई वॉज बिजी समवेयर एल्स। सो बट सेकेंड मैसेज मैंने देखा जिस दिन, उस दिन मैं फ्री था, तो मैंने मैसेज जस्ट चेक किया कि क्या मैसेज है। एंड मैं आपको मैसेज पढ़ के बताता हूँ कि डियर कस्टमर, योर कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, अपडेट योर अकाउंट, 10 मिनट, क्लिक हेयर, लिंक अपडेट योर अकाउंट एंड ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा इस पूरे वीडियो में कि अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज आता है जो कि एक्चुअली एक फ़िशिंग मैसेज है और ईमेल है, आप उसको पहचानोगे कैसे और उसको डायग्नोस कैसे करोगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको इसे कहीं ना कहीं डिफरेंट फोरम्स पे, सोशल मीडिया पे आपको लोगों को जागरूक भी करना है। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन। ओके, तो एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग, राइट? सो ये भी आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि फिशिंग मैसेज होता क्या है। फिशिंग मैसेज बेसिकली कोई भी ईमेल हो सकता है, कोई भी मैसेज आपके मोबाइल पे हो सकता है, जिसमें जो अटैकर्स होते हैं वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस मैसेज में वो मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन चाह रहे होंगे थ्रू दैट लिंक जो उन्होंने लिंक दिया हुआ है, जैसे मे बी मेरा कस्टमर रिलेशनशिप नंबर या कोई पिन नंबर या मोबाइल पिन नंबर और एनीथिंग लाइक दैट। ये कोई ईमेल भी हो सकता है और उस पर भी आप क्लिक पे लिंक करके कहीं जाएंगे और दे विल आस्क यू द सेम थिंग। ओके, सो फिर मैंने डायग्नोस कैसे किया। अब आप एक इस मैसेज पे ध्यान से देखना, क्या देख रहा है आपको इस मैसेज में। इस मैसेज में कॉमन सी प्रॉब्लम है। कॉमन सी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंग्लिश सेंटेंसेस और प्रॉपर जो उसका पंक्चुएशन होता है, जो स्टार्टिंग होती है, जो एक फॉर्मेट होता है इंग्लिश मैसेज का, अगर कोई बैंक अपने कस्टमर को मैसेज भेजती है तो आप कभी भी ध्यान देना, वो एक प्रॉपर फॉर्मेटेड मैसेज होता है। ओके, यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया गया है विदाउट पंक्चुएशन, विदाउट प्रॉपर इंग्लिश फॉर्मेटिंग, जो कि रियली डाउटफुल। नाउ अगेन दे हैव सेंट यू अ लिंक इन दिस मैसेज। लिंक होना भी एक डाउटफुल केस है, बट हो भी सकता है जेन्युइन केस में भी, बट यहाँ पे ये केस जेन्युइन नहीं है क्योंकि लिंक का जो फॉर्मेट है वो भी डिफरेंट है नॉर्मल कोटक महिंद्रा के मैसेज से या और भी जो बैंक लिंक्स भेजते हैं। ओके, दिस इज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज दैट विच इज़ वेरी कॉमन कि कोई भी बैंक अगर मैसेज भेजता है तो वो कुछ एक प्रॉपर फॉर्मेट में उनका एड्रेस या नेम होता है, राइट? जैसे अगर मैं कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ मैसेज जो आते हैं वो इस नाम से आते हैं। लेट मी शो यू दैट। सो दैट विल बी लाइक VM कोटा KB, AD कोटा KB, इस तरह से वो मैसेज आपके मोबाइल पर आते हैं, इस नाम से आते हैं। नंबर से वो मैसेज डायरेक्टली नहीं आते हैं नॉर्मल केसेस में। अगर वो कोई ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं टू सम ऑफ द कस्टमर्स रिगार्डिंग सम ऑफ द स्पेसिफिक फीचर्स। ओके, सो लाइक अगर आपका सस्पेंड हो गया है अकाउंट, तो वो आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे
और उसमें प्रॉपर फॉर्मेटिंग होगी, प्रॉपर नेमिंग होगा कोटक का, ओके। यहाँ पर किसी भी नंबर से वो आपको नहीं भेज देंगे नॉर्मल पे में, राइट। तो आपने दो चीज़ देखी यहाँ पर, अभी तक आपने दो चीज़ देखी। फर्स्ट कि उसका नेमिंग, उसका नेम जो आपको मैसेज में दिखेगा वो कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है। दूसरा, इंग्लिश फॉर्मेटिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। थर्ड चीज़ आपने देखी कि उसका जो लिंक था वो भी प्रॉपर फॉर्मेटेड नहीं था और डाउटफुल था, ओके। फिर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, इसके बाद क्या। अब आपको थोड़ा डाउटफुल तो हो गया है कि इसकी, हाँ ये मैसेज डाउटफुल है, बट अगर हम इस लिंक पर क्लिक करके जाते हैं, इन केस इफ़ यू वांट टू डायग्नोस, वैसे तो मैं कहूँगा अगर आपने इतनी चीज़ देख ली है तो लिंक पे भी क्लिक करना करिए, बट अगर आप लिंक पे क्लिक करके डायग्नोस करना चाहते हैं तो लिंक पे जाने के बाद आपको ये दिखेगा कि वो साइट HTTPS होनी चाहिए अगर वो जेन्युइन है, इन मोस्ट ऑफ द केस, ओके। अगर वो जेन्युइन नहीं है तो वो डेफिनेटली विदाउट HTTPS होगी, यानी कि नॉन सिक्योर साइट होगी, ओके। सो दूसरी एक और कॉमन सी चीज़ है विच मे बी इन सम केसेस अपीयर्स, लाइक हम सभी अपने मोबाइल पे बैंक्स की एप्लीकेशन रखते हैं, ओके। तो अगर सपोज आपका SBI से कोई ऐसा फिशिंग मैसेज आया है जो आपकी SBI की डिटेल मांग रहा है और SBI का ही आपका एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है, तो इन एनी केस अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल पे थ्रू दैट ऐप, ओके। या आप ऐप में लॉगिन करोगे तो भी आपको दिखा देगा कि भाई आपका अकाउंट पे ये इशू है, इसको सही करिए। तो अगर आपका ऐप ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है और आपके पास अलग से ये मैसेज भी आ रहा है तो डेफिनेटली देयर इज सम ग्लिच, ओके। तो हमने अभी भी बात की उन कुछ कॉमन रीजंस के बारे में जो आपको थ्रू दैट यू कैन फाइंड आउट कि हाँ मैसेज फिशिंग हो सकता है। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो ये सेम लिंक है जो कि वहाँ पर आ रहा था, और बिल्कुल सेम टाइप स्ट्रक्चर की इन्होंने ये थोड़ा सा व्यू दे रखा है उस साइट को, ओके। तो यहाँ पर वो कर क्या रहे हैं, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि इस साइट में जब मैं आया तो उन्होंने बोला कि अपना कस्टमर रिलेशनशिप नंबर दीजिए, ओके। नाउ दे आर ट्राइंग टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन, चुराना चाह रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन। अगर आपने गलती से अपना नंबर डाल दिया, सपोज मैं ये डालता हूँ, नाउ दे विल गो टू अनदर स्क्रीन, और अब वो आपसे कहेंगे कि आप अपना MPIN दे दीजिए, ओके। अब जहाँ ही आपने MPIN दिया, लाइक चलिए मैं MPIN के लिए कुछ लिख देता हूँ, और मैंने सबमिट किया, MPIN सबमिट करते ही ये देखते हैं कहाँ जाता है। अभी तक उन्होंने हमसे दो इन्फॉर्मेशन मांगी है, एक कस्टमर रिलेशनशिप नंबर और एक MPIN, राइट। तो लेट्स सी कि अब ये हमें कहाँ ले जाते हैं और क्या करते हैं। URL पे ध्यान देना आप, URL है आपका kotak3.php something। Now your MPIN is confirmed, enter the activation code received on your registered mobile number। आप जैसे ही आप अपना एक्टिवेशन कोड डालोगे ना सर, यहाँ पे देयर विल बी सम अटैक ऑन योर अकाउंट, आई एम वेरी मच श्योर। चलो कोई नहीं, ये भी कर ही देते हैं। तो आपने जो CRN डाला है उसके बेसिस पे अकाउंट आपके मोबाइल पे वो कुछ OTP जनरेट करना चाह रहे होंगे जिसके थ्रू वो फ्रॉड करेंगे। अब वो OTP इनको नहीं मिल रहा है, उन्होंने बोला इनवैलिड एक्टिवेशन कोड समथिंग, तो यहाँ पर आके ये ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन डाली, एक्टिवेशन कोड, आपके मोबाइल पर OTP आया, वो OTP एक्चुअली किसी ट्रांजेक्शन का होगा जो करना चाह रहे होंगे, और वहाँ से आप वो
आपकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे सर, तो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट एंड मेक अदर्स एज वेल अवेयर ऑफ अबाउट ऑल दिस वट एवर यू सी अराउंड यू विच इज इलीगल एंड लाइक दिस फिशिंग. सो अवेयर देम एज वेल एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू, बाय.